गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। लास्ट वीडियो में बेटा यही एक्सरसाइज के ऊपर हम थे 10.2 ओके, और सम नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। उससे आगे कंटिन्यू करते हुए सम नंबर 10 से कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर से। फाइंड द इक्वेशन। अब समझिएगा बेटा, हर एक सम में वेरिएशन आएगा। जो सम 8 तक ईजी थे, डायरेक्टली हो गए थे, लाइन का इक्वेशन ढूंढना तो लाइन का इक्वेशन ही है, बट कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके बोला होगा। कुछ इजी है, कुछ लेंदी है, पर लॉजिक आपको लगाना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन के डीप तक जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ही ढूंढना है। पासिंग थ्रू -3.5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। ओके, एक फिगर के जरिए मैं आपको बताता हूं तो आपको कैसे इजी लगे। नंबर 10 ऐसा बोल रहा है कि भाई हमें इक्वेशन ढूंढना है, एक पॉइंट में से निकल रहा है -3.5 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द, दो पॉइंट में से निकल रही लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ऐसा, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन x और एक वर्टिकल लाइन y। चलो दो पॉइंट में से जो निकल रहा है 2.5 a एंड दूसरा b, तो b पॉइंट हमारा क्या है, ये दोनों पॉइंट में से निकल रही लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, और उसके ऊपर एक खुद पॉइंट है P, क्या है तो -3.5। ओके, चलो ऐसा एक पॉइंट है। इतनी चीजें दी हुई है, लॉजिक आप समझे। क्या है लॉजिक, कि ये दोनों पॉइंट में से निकल रहा हो ऐसा, एक पॉइंट P -3.5, तीन पॉइंट दिए हुए हमें इक्वेशन। ये लाइन L हुई और ये लाइन M हुई। ओके, हमें लाइन L के दो पॉइंट दिए, इक्वेशन चाहिए लाइन M का। ओके, तो इक्वेशन ढूंढने लिए बेसिकली दो चीज, या तो दो पॉइंट चाहिए, या तो एक लाइन एंड एक पॉइंट चाहिए। तो मेरे पास एक पॉइंट है, ना तो दूसरा पॉइंट है, ना तो स्लोप है। ओके, चलो तो दूसरी चीज कुछ मिल सके ऐसा, अगर ये मिड पॉइंट होता दोनों का तो दूसरा पॉइंट मिलने का चांसेस था, पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है, चलो भूल जाओ। बट दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो है ही। क्या है, परपेंडिकुलर तो है। तो एक काम करते हैं, ये लाइन का स्लोप तो मिल जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन एल का स्लोप। ओके, तो y2 माइनस, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। अकॉर्डिंग टू द रूल्स y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 5 1, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो ऑल ओवर आंसर आया -1/5। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब लाइन L एंड M दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ लाइन L, उसको दूसरी लैंग्वेज में M1 भी कह दो। L परपेंडिकुलर m, दैट मीन्स दोनों के स्लोप m1 एंड m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। ऐसी कंडीशन थी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1। चलो तो m1 हमारे पास आया -1/5, m2 ढूंढना है और ये -1, माइनस वन माइनस 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 कैंसल, तो m2 इज इक्वल टू 5, तो हमको मिल गया स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू 5। दूसरी लैंग्वेज में उसको m2 बोल दो। समझ में आया, तो स्लोप ऑफ लाइन मिल गया। ये तो मैंने कैलकुलेशन की, बट शॉर्टकट है बेटा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप मिल जाए तो दूसरे का स्लोप उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट साइन। तो -1/5 का रेसिप्रोकल 5, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। ओके, सीधा रेडी सेटअप है तो क्यों करें। ओके, पर ये समझाने के लिए बताया कि इस मेथड से मिलती है, तो पहली बार आपको पता चले, सेकंड टाइम आपको अपने आप करना है। चलो, स्लोप रेडी, पॉइंट रेडी, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एम क्या है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ वाई माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, तो कौन है एक्स वन वाई वन, तो ऊपर रहा y1 है 5, m है 5,
एक्स माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस थ्री, चलो y माइनस फाइव, फाइव का x के साथ 5x प्लस 15, चलो सब कुछ एक तरफ तो 5x y सामने जाएगा तो माइनस वाई, माइनस फाइव भी सामने जाएगा तो 15 प्लस फाइव दैट मीन्स 20, आंसर सामने जीरो, सब कुछ एक तरफ लेके गए, नहीं x वाले नहीं y वाले एंड कॉन्स्टेंट, समझ में आ गया। तो बेटा यही चीज़ सीखनी है 10.2 के सभी सम में अभी के, कि भाई कुछ ना कुछ नया होगा। देखो ये आपको घुमा फिरा के पूछा, आपको लॉजिक लगाना है कि किस तरह सम को पकड़ के इजी बनाना है और टेक्निक हमारी क्या रहेगी। चलो नंबर 11, व्हाट अबाउट नंबर 11, उसमें भी कुछ इस टाइप का ही है। अलाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट 10 एंड 23, तुम्हारी लाइन है वो एक लाइन सेगमेंट है, ओके 10 एंड 23 को परपेंडिकुलर है, डिवाइड इट इन दी रेशियो 1:n, ओके एक लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट है, ए है हमारे पास 10 एंड दूसरा बी है हमारे पास 23, ओके इसको एक परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड कर रहा है 1:n रेशियो में, तो 1:n रेशियो, ओके तो पोर्शन बना दिया, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वही लाइन का हमको क्या ढूंढना है इक्वेशन। इस बार तो पॉइंट भी नहीं दिया, पहली बार तो क्या था कि लाइन m के ऊपर एक पॉइंट भी था, अभी लाइन m के ऊपर पॉइंट भी नहीं है, ओके तो कोई बात नहीं, ये रेशियो भी हमको नया दिया ना, पहली बार रेशियो भी नहीं दिया था, चलो ठीक है कुछ ना कुछ दिया होता है तो कोई टेंशन है नहीं। 1:n रेशियो क्या है, 1:n, तो अकॉर्डिंग टू दी m जेम में m हमारा 1 और n खुद n है, क्लियर। चलो जब रेशियो दिया हो तो डिवाइडेशन पॉइंट, जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है p पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमको मिलेंगे और इसके लिए इक्वेशन भी हमारे पास है। क्या है हमारे पास, ऐसा कि भाई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और उसी तरह my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके चलो स्टार्ट करें। m दैट मीन्स 1 है, ये x1 y1 और ये x2 y2, चलो m तो भूल जाओ लिखना ही नहीं है क्योंकि 1 है, x2 क्या है तो 2, n खुद n है और x1 1 है तो 2 प्लस n, नीचे m प्लस n तो n प्लस 1, उसी तरह यहाँ पे भी नीचे n प्लस 1, चलो m 1 है, y2 0 तो 0 के साथ सब कुछ 0, n खुद n है एंड y2 3 है तो 3 लिखेंगे, y1 0 तो n के साथ 0 हो गया, तो ये हमारा पॉइंट आया, क्या हुआ पॉइंट आया कि ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब हमें लाइन M का इक्वेशन ढूंढना है तो पॉइंट P हमारा रेडी हो गया, चलो पॉइंट नहीं था वो पॉइंट आ गया, अब देखो सम कुछ इससे मिलता जुलता हो गया, इधर पॉइंट P था, इधर पॉइंट हमने P ढूंढ लिया, ओके रही बची बात स्लोप की, तो स्लोप ऑफ द लाइन L ढूंढ सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L, लाइन L का स्लोप क्या, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3 एंड 2 माइनस 1 तो 1, तो स्लोप ऑफ लाइन 3 तो उसको परपेंडिकुलर है ना L M, तो स्लोप ऑफ लाइन M 3 है तो रेसिप्रोकल 1/3 प्लस है तो इधर माइनस, बोलो मिल गया रेडीमेड, इतनी मेहनत करने की अब जरूरत है नहीं, बिल्कुल रेडी, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, चलो दोनों स्लोप हमको मिल गए, ओके तो ये स्लोप हमारे काम का है और ये पॉइंट हमारे काम का है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन m, लाइन m का इक्वेशन, तो क्या है इक्वेशन, y-y1 m ब्रैकेट में x-x1, डालो वैल्यू y-y1 कौन, तो 3 डिवाइड बाय n प्लस 1, m तो -1/3, x-x1 तो 2 प्लस n डिवाइड बाय n प्लस 1, कंप्लीट n प्लस 1 तो
एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो वाई के साथ एन प्लस वन माइनस थ्री, तो नीचे एन प्लस वन बचा, ये रहने दो अभी माइनस वन बाई थ्री, नीचे अगेन एन प्लस वन एलसीएम, तो एक्स के साथ एन प्लस वन माइनस टू प्लस एन। ओके चलो एन प्लस वन तो कैंसिल, जो करना था वो कर दिया। अब थ्री से साथ ही साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो मैटर क्लियर हो जाए। चलो सामने करोगे तो थ्री वाई ब्रैकेट में एन प्लस वन, ओके माइनस थ्री जै थ्री नाइन, अब माइनस से अंदर करोगे तो माइनस एक्स ब्रैकेट में एन प्लस वन, और माइनस माइनस प्लस टू प्लस एन, ये माइनस माइनस प्लस, अब ब्रैकेट तोड़ दो, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ। ओके चलो सबको सेट करते हैं, तो पहले x वाले इधर लाओ, तो x माइनस का प्लस n प्लस वन, y तो ऑलरेडी इधर है, 3 इसके साथ n प्लस वन लिखो उसके बाद y लिखो। चलो 3n प्लस वन वाई भी हो गया, सभी कांस्टेंट अगर सामने जाने दे तो ऑलरेडी n था 9 प्लस टू इलेवन, ओके 9 प्लस टू क्या हो जाएगा 11, तो सब कुछ कांस्टेंट सामने, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में हमें x अलग दिखाना है, y अलग दिखाना है और कांस्टेंट दिखाना है, तो इधर भी दिखाया इधर भी दिखा दिया। लॉजिक समझे आप, जैसे ये परपेंडिकुलर हो कुछ एसेट्रा एसेट्रा बोले, तो हमें इस मेथड से इस सिचुएशन से समझ के अच्छे से करना है। नंबर आगे बेटा 10 11 के बाद 12 पे चलते हैं। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस टू द पॉइंट 23। हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो पॉइंट 23 में थे पास तो हो रहा है ना, स्लोप बताया पर कट इक्वल इंटरसेप्ट, क्या कर रहा है कट इक्वल इंटरसेप्ट, तो कट इक्वल इंटरसेप्ट, दैट मींस इंटरसेप्ट का इक्वेशन तो आप जानते हो, पर आपको बता दूं कि x इंटरसेप्ट को a बोलते थे, y इंटरसेप्ट को b बोलते थे, दैट मींस a इज इक्वल टू b। चलो ना पहले डिसाइड करते हैं इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या है, तो ऐसा है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, पर जो तुम्हारा a है वही तुम्हारा b है, तो इधर भी a इज इक्वल टू 1। मैं ए एलसीएम ले लूँ और सामने जाने दूँ तो एक्स प्लस वर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बट अब जो पॉइंट है वही लाइन के ऊपर तो होगा, तो रखो पी टू थ्री ये लाइन के ऊपर रखो, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट टू वाई कोऑर्डिनेट थ्री, तो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स मुझे इंटरसेप्ट ए मिल गया 5, मिल गया। ओके प्रॉब्लम किसका था, तो इंटरसेप्ट का ही था, और इंटरसेप्ट मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन वही पुराना एक्स बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये हमको ये भी ढूंढने का प्रॉब्लम था, अब ए 5 तो बी भी 5 क्योंकि दोनों सेम है ना, ओके डालो तो एक्स बाय 5 प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बोलो आ गया समझ में, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सिंपल, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा, और इजी सम भी है हमारे पास, क्लियर। तो इसी के साथ एग्जांपल नंबर 12 भी खत्म। ओके चलो 13 की बात करते हैं, 13 भी सेम कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प करना है, ओके मैं आधा करके आपको थोड़ा करने के लिए होमवर्क में दूंगा। तो व्हाट अबाउट 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 22, जैसे उसमें 23 दिया था यहाँ पे 22 दिया है, कुछ भी नाम दे दो ए बी पी क्यू जो भी सही लगे, कट ऑफ द इंटरसेप्ट, सेम इंटरसेप्ट नहीं बोले पर क्या बोला है, ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9, इंटरसेप्ट का सम 9 है, इंटरसेप्ट तो ए बी ही है, तो ऐसा बोला है बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 9,
क्या बोला है, a प्लस बी इज इक्वल टू नाइन। तो हम a को तो a रखते हैं, पर इधर एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू नाइन बाय ए। चलो ओके, नाउ इक्वेशन, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन। आगे में ऐसा था, ए बी सेम थे, दोनों a हो गया, पर यहाँ पे ए बी सेम नहीं है, तो a रहने दो, पर b को a ऐसे बनाते हैं नाइन माइनस ए करके, समझ रहे हो ना। ओके, आगे भी पॉइंट था, इधर भी पॉइंट है, पॉइंट है टू टू, तो डालो x की जगह पे टू बाई ए, वाई की जगह पे टू अपॉन नाइन माइनस ए इज इक्वल टू वन। ओके, एलसीएम लेना है तो भी ले लो, जो भी सही लगे। तो चलो a नाइन माइनस ए, दैट मीन्स नाइन नाइन माइनस ए टू के साथ, तो नाइन जा टू एटीन, माइनस टू ए प्लस टू ए इज इक्वल टू वन, तो टू ए कैंसिल। ओके चलो, जो भी बचे इधर बचा 18, बाकी सब सामने जाने दो। तो a ब्रैकेट में 9 माइनस है, तो 18 9 a माइनस ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस 9 a प्लस का माइनस। ओके, ए स्क्वायर इधर, ये इधर, और 18 भी इधर है ही वही ऑलरेडी। अब 18 के ऐसे दो कंपोनेंट बनाओ कि आंसर 9 आए, 6 चार 3। ओके, दोनों माइनस, तो a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास दो ऑप्शन, a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3। a मिल गया तो b मिलेगा, तो a 6 डालो तो b क्या है, 9 माइनस a, तो 9 माइनस 6 दैट मीन्स 3, और इधर भी 9 माइनस 3 दैट मीन्स 6। बोलो ए बी दोनों डिफरेंट डिफरेंट मिले, तो इसके हिसाब से अब बेटा हमें आगे एक ही ऑप्शन था, इधर दो ऑप्शन है, तो दो कंडीशन मिली। तो कंडीशन नंबर वन, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3 लेके काम करते हैं, तो x बाय ए y बाय बी इज इक्वल टू 1। जो एलसीएम आपको लेना है ले लो, चलो कौन सा सही रहेगा, 6 ले लो, तो x प्लस 2y, और 6 सामने भी चला गया, तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या मिला मेरे को, फर्स्ट इक्वेशन। सेम कंडीशन नंबर टू, चलो पूरा कंप्लीट ही करवा देता हूं, a 3 एंड b 6, दैट मीन्स x बाय 3 y बाय 6 इज इक्वल टू 1, अगेन 6 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट, चलो छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, पर समझना इंपॉर्टेंट था। टोटल बेटा 4 सम देखें, 10, 11, 12, 13, सभी लेंदी है और सब कुछ ना कुछ नया समझा के जाता है, पर बेसिकली देखा जाए तो दो दो की पैर में ही काम हुआ है। नंबर वन के दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर थी, पहले का स्लोप मिला उसका रेसिप्रोकल दूसरा, दैट मीन्स जो आंसर मिला उसका रेसिप्रोकल प्लस है, तो माइनस पॉइंट था, स्लोप मिल गया, लाइन का इक्वेशन। सेम थिंग नंबर 11 में, पॉइंट नहीं है पर रेशियो दिया है, तो रेशियो के हिसाब से पॉइंट मिला, परपेंडिकुलर है तो स्लोप मिला, फिर लाइन का इक्वेशन। दो इक्वल इंटरसेप्ट बोले हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, तो पॉइंट रख के ए बी मिल गए, लाइन का इक्वेशन। दो इंटरसेक्ट का सम 9 है, ओके, पॉइंट तो दिया हुआ है, तो बी को सब्जेक्ट बना के 9 माइनस ए लिखा, ए ए एंड बी 9 माइनस ए, तो सब कुछ ए में आ गया, वापस पॉइंट रखा, ए मिला तो बी मिलेगा नहीं, पर दो ए मिले हैं तो बी भी कितने मिलेंगे, दो, तो लाइन ऑफ इक्वेशन भी कितने मिलेंगे, दो। तो सम नंबर 13 तक अच्छे से काम कंप्लीट किया बेटा, सभी सम मैंने बोला था, वैसे कुछ ना कुछ आपको नया सिखाएगा क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है, ये लास्ट तक आपको ऐसा ही रहेगा, सम नंबर 18 या 19 जितने भी हैं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा, पर पहले इतना कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।